ये है असली एडवेंचर। आप भाई देख सकते हैं एवरेस्ट गाड़ी 17 का निकाल रही है, सोने ऐसा चमकता है शाम के टाइम पे। देखते हैं कहाँ जाना है, मजा आ गया, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा हम लोगों का। तो गाइज हम लोग जो है बारमेर पहुंच गए हैं, ये आपका जैसलमेर से पहले पड़ता है बारमेर। तो चलो यहाँ पे कुछ खाना पीना खाते हैं और फिर निकलते हैं, काफी लॉन्ग डे हो गया। क्यों समित भाई और विवेक भाई बड़ा थक चुके हैं गाड़ी चला चला के, और चलिए चलते हैं। आई लव बारमेर, और बारमेर की वाइब्स काफी अच्छी आ रही हैं। आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं, आप दिखाइए जरा। जैसे ही बारमेर पहुंचे पहला रेस्टोरेंट पड़ा है, और मतलब उमदा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ सेटअप देख सकते हैं, सेटअप्स का सही है भाई, ऐसे ही होना चाहिए। यही तो राजस्थान का कल्चर है, यही तो राजस्थान का कल्चर है। आप देख सकते हैं रेत से शुरुआत होती है। तो हम लोगों का खाना आ चुका है भाई, देख सकते हैं आप सर्विंग तो काफ़ी अच्छी है इनकी। ये दाल तड़का है, एक बार बताओ क्या है। पनीर बटर मसाला है, पनीर बटर मसाला, ये पनीर बटर मसाला है सर। ये तंदूरी है, ये दाल तड़का है, ये पापड़, ये आपका है पिंडोरिया का चूरमा। स्वीट रहता है, स्वीट में रहता है आपका। देखिए ये सर्व करेंगे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भाई खा के देखो। तो हम लोग जैसलमेर पहुंच गए हैं, और भाई ये सामने जैसलमेर का फोर्ट है, आगे होटल वगैरह देखते हैं। लेट नाइट चेक इन होगा हम लोगों का, और 2 बजने जा रहा है रात के। तो ये रहा हम लोग आज रात का रूम, ये देखिए भाई काफी रूम वैसा टाइप का बना रखा है, एकदम नहीं हवेली वगैरह होती है पुराने जमाने की। लोगों के होटल से रूफ टॉप देखिए, यहाँ से फोर्ट दिखता है भाई। तो गाइस हम लोगों का नाश्ता वगैरह आ गया है, और ये ब्रेड बटर है, और आपका यहाँ पिकल दिया गया है, दही दिया गया है, कर्ड, और ये है आपका गोभी पराठा, ये है आपका आलू का पराठा। देखते हैं यहाँ पर नाश्ता कैसा है और करके निकलते हैं। ये जैसलमेर का नाश्ता भाई, तो आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं यहाँ पे। तो सैंड ड्यून्स डेजर्ट जो है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये नियर बाय काफ़ी सारे बॉर्डर से यहाँ पे लग जाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर भी शायद थोड़ा बहुत लगता है यहाँ पे। चुके हैं यहाँ पे डेजर्ट सफारी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे लोग खड़े हुए हैं भाई, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। और चलिए कुछ डेजर्ट की कुछ एडवेंचर किया जाए। गाड़ी लॉक कर दो भाई विवेक, गाड़ी लॉक कर दो। यह है देखिए डेजर्ट, डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट, देख रहे हैं आप। एक भाई, मेरे भाई की तो सब्जियां उड़ गई है, ये देखो, ये देखो, ये देखिए। हम लोगों की राइड वगैरह हो गई है डेजर्ट की, और चलिए अब चलते हैं फोर्ट पे, चलना है वहाँ पे, उसका भी दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ जाना है। मज़ा आ गया, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का, चलिए चलते हैं। ये आपको रास्ता है यहाँ से सोनार, ये सारी रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते में आपको सोनार पैलेस के लिए, ये रास्ते में आपको देख सकते हैं काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं। ये आपका सोनार पैलेस है, ये सोने ऐसा चमकता है शाम के टाइम पे, आप देख सकते हैं। ये रेट्स हैं आपके गाइड के, और गवर्नमेंट कभी भी आइए यहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट उसका ही उसी से ही गाइड लीजिए आप लोग, फालतू के इधर उधर के गाइड के चक्कर में ना पड़िएगा। ये सारे रूट्स हैं इनके, प्रोल महाराजा अक्षय राज सिंह द्वारा ये प्रोल निर्मित की। अच्छा अच्छा, इसलिए इस गाइड का नाम है अक्षय प्रोल। आने का और जाने का दोनों एक ही रास्ता है,
दूसरा रास्ता नहीं है, राजा महाराजा के समय में एक ही रास्ता बना था। वो तो आपको ऊपर दिख रहा है फ्लाइट, वो है किंग पैलेस। बेरी साल, बेरी मतलब दुश्मन, साल मतलब मारना। उनका नाम था बेरी साल सिंह। इस ब्रज को बोलते हैं बेरी साल सिंह ब्रज। इसके अंदर जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही डाउन है। जो बेरी मत इसी शेप में है ना? हाँ, पूरा राउंड है। बेरी मतलब दुश्मन, खोखला होगा ना? हाँ, बेरी मतलब दुश्मन। ऊपर से डाउन नीचे फेंक दिया करते थे, उसका हड्डी वहाँ बहुत टूट जाता था। और बाजी भी है, ऊपर से फेंकी जल टूटेगा, ऊपर से सोल डाल दिया जाता है ना, मत अंदर हड्डी जलना जलना मरना पड़ना वही सब अंदर हो जाए। इस गेट को बोलते हैं सूरज प्रोल, सूरज प्रोल, सूरज प्रोल। डाउन में सूरज की पहली किरण पड़ती है। अच्छा, सूरज की पहली किरण पड़ती है जब गोल्डनेशन चमकता है। और ये डिजाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं तोरण द्वार भी बोलते हैं इसको। जब शादी ब्याह में आते हैं, जब महाराजा राजा जब शादी करके आते हैं, जब सलाम मारते हैं तलवार से, उसमें आता था। जैसे जैसे राजा चेंज हुआ, जनरेशन चेंज हुआ, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग। अब ये चौथा गेट आया है, इस गेट को बोलते हैं हवा प्रोल, हवा प्रोल, हवा प्रोल, हवा देने वाली प्रोल। वहाँ पे दशहरे के दिन हमारे राजा बैठते थे। हाँ। महारावल चैतन्य राज सिंह, महारावल ब्रजराज सिंह। हाँ। बोलते हैं तोरण द्वार, तोरण द्वार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तोरण पे हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर्स। हाँ। यहाँ पे चार तरीके का पत्थर पाया जाता है। अच्छा अच्छा, सी फॉसिल्स। ये कौन सा है? समुद्र बन गया था। हाँ। उसके बाद जो पत्थर बना कई करोड़ों साल पहले, समुद्र बन गया 32 करोड़ साल पहले बताते हैं, समुद्र बन गया था। हाँ। समुद्र के बाद जो अवशेष मिक्स हो गए जिसमें जीवाश्म, उनको सोख के ये पत्थर बन गए। इससे कई बीमारियां दूर होती है। अच्छा अच्छा, ये पूरा पीला पत्थर है। आइए सर, नमस्ते। यहाँ सबसे बेस्ट है जो पत्थर की कारीगरी है। कारीगरी तो बहुत अच्छी शानदार की गई है। ये रंगमंच बोलते हैं। अच्छा अच्छा, रंगमंच जो ऊपर विष्णु ऊपर कला का है। ये जो कलर दिख रहे हैं वेजिटेबल कलर है। हाँ। पहले कलर नहीं थे, वेजिटेबल कलर है पूरा। के अंदर पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए वहाँ से लाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अरे नंदा हीरो को तो अष्ट धातु का तो जैसलमेर से निकलने के बाद हम लोग जो है बीच में अभी जोधपुर पड़ेगा, और जोधपुर से पहले हम लोग रुके हुए हैं कुछ ब्रेक वगैरह के लिए। सुमित भाई की टांगें बहुत टेढ़ी हो चुकी हैं, तो नहीं है तो सीधी खैर, लेकिन जो अब कुछ खाना पीना खाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। रेस्टोरेंट तो बढ़िया बनाया हुआ है और देख सकते हैं आप इसका आउटलुक। चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। देखिए हम लोगों का खाना आ गया है, पनीर लवादा खाना आ चुका है, पनीर की सब्जी आ गई है, रोटी आ गई, तंदूरी और सैलेड। चलिए खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। आप भाई देख सकते हैं एवरेज गाड़ी 17 का निकाल रही है। आप गाड़ी देख सकते हैं चल कितना आ गई है, 10,198 किलोमीटर चल गई है, और अभी सर्विस नहीं हुई है। सर्विस इसकी ड्यू दिखा रही है, अलर्ट मोड आ रहा है इसका। चलिए गाइस गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, हम लोग होटल वगैरह आ गया, चेक इन करते हैं और जयपुर पहुंच गए हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये रहा हम लोगों का होटल। ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में अपने नए वीडियो के साथ, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और जयपुर पहुँचते हैं अभी थोड़ी देर में, जोधपुर होते हुए जाएंगे, शायद मुश्किल ही है जोधपुर में रुकें। और जयपुर पहुंच के आपका नया वीडियो नया ब्लॉग के साथ फिर मैं आऊँगा। तब तक क्लिप, बाय बाय।